Swadika. And I'm tiger, not cat. Okay. Wapik. Swadi. Swadika. Swadika. Good morning. This is Meghna and welcome back to another episode of Thailand series. तो ये मेरा फोर्थ डे है थाईलैंड में. कल रात को शाम को हम लोग पटाया से निकल गए थे. फिर पटाया से हम लोग बैंकॉक आए एंड बैंकॉक से फुकेट के लिए रात को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. एंड देन वहाँ पे बस स्टॉप पे हम लोग ऐसे बस का वेट कर रहे थे, फिर इंक्वायरी कर रहे थे. तभी हमें एक अननोन पर्सन ने आया और उन्होंने जो हमें अप्रोच किया और पूछा कि आपको फुकेट जाना है तो आप आओगे क्या. मतलब उनको भी जाना था तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके साथ आते हैं. तो हम दोनों उनके कार में बैठ के आए. वो चीपर भी पड़ा और हम जल्दी भी पहुँच गए. अदरवाइज़ हमको आज सुबह की बस लेनी पड़ती थी बैंकॉक से. उसके बाद हम लोग शाम को आते थे फुकेट में. शाम को आते आते 7-8 हो जाते और आज का दिन वेस्ट हो जाता. 12-12:30 बजे तक हम लोग फुकेट में आ गए थे और अभी हम लोग चेक इन किया होटल में. और उसके बाद वी आर हेडिंग टू एक्सप्लोर द सिटी. अभी क्या क्या देखेंगे मैं बताऊँगी आगे के वीडियो में. आज फुकेट में फर्स्ट डे है और ये जो होटल आप देख रहे हो मेरे पीछे वहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं. हम लोग 2 दिन फुकेट में स्टे करने का प्लान है. अगर फुकेट 2 दिन में एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो हम एक्सटेंड करेंगे शायद से. एंड उसके बाद बहुत एक्साइटिंग पार्टी के लिए हम लोग जाएंगे. उसके लिए आपको इसके बाद वाली वीडियो देखनी पड़ेगी. उसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. उसके बाद बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है. और ये मेरा होटल है जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ. अभी मैंने गूगल मैप से एक बाइक रेंटल शॉप वाले को फ़ोन किया था एंड उसके वो बाइक रेंट के लिए मैंने बोला है. तो ही इज़ कमिंग, वो आएगा बताएगा और फिर हम बाइक रेंट करेंगे जाएंगे टाइगर पार्क. तो बेसिकली हमें ये जो होटल है वो हम लोग ने booking.com से बुक किया था जो मुझे कुछ 1200 रुपीज़ पर डे मिला है. और हाँ, इट्स अ गुड डील. अच्छा है होटल, ऐसा वो भी नहीं है. बहुत लग्जरी नहीं है बट 1000 रुपीज़ के हिसाब से इट्स गुड प्लस. और हाँ, बट ये कौन सिटी सेंटर में है या फिर आउटस्कर्ट्स में अभी तक मुझे देखा नहीं है क्योंकि आजू बाजू में तो सिर्फ ऐसे मेन रोड वगैरह ही है. तो हाँ, बट मेन चीज़ यहाँ पे बहुत 200 मीटर्स पे, बहुत क्लोज डिस्टेंस पे इंडियन रेस्टोरेंट है. ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये होटल के बारे में. तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे तो ये होटल बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है. इट्स गुड सर्विस इज़ ऑल्सो गुड, रूम्स आर ऑल्सो स्पेशियस. एंड हाँ, इन लोग के पास ऑप्शंस भी है अगर रूम अपग्रेड करना है. तो हम लोग तो डीलक्स रूम में रह रहे. अगर मुझे अपग्रेड करना है तो सुपीरियर सूट रूम का ऑप्शन भी है. तो इट्स गुड. रेंटेड अ बाइक फॉर 250 बात अ डे के अकॉर्डिंग और उन्होंने डिपॉजिट के लिए मेरा पासपोर्ट रख दिया था. बाइक रेंट करते टाइम फोटो क्लिक करना मत भूल लीजिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू रेंटेड अ बाइक इन अनदर कंट्री. आ गए टाइगर किंगडम के यहाँ पे बाहर और ये एंट्रेंस है. यहाँ पे देखते हैं कैसा है. सो दीज आर द रेट्स. बिग और स्मॉल एंड एज्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैंने 800 बात वाला एक टिकट लिया हम लोग दोनों ने. वी हैव अभी हम लोग अंदर जाएंगे और टाइगर को देखेंगे. मैंने टिकट लिया था 800 थाई बात का बिग टाइगर देखने के लिए. तो उसमें आप मेन एरिया में घूम सकते हो जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स दिखने मिलते हैं वो जो अंदर रहते हैं लॉकर में. और एक बिग टाइगर रहेगा जिसके साथ आप मिल सकते हो और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो. टाइगर किंगडम 6 बजे बंद हो जाता है तो अगर आप जा रहे हो तो 6 बजे से पहले या फिर आफ्टरनून के टाइम पर जाइए तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा वहाँ पर घूमने के लिए.
No? You follow me. Not me, follow you. And I'm tiger, not cat. आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे एक है यहाँ पे एक है आराम से दस 15 मिनट आप टाइगर के साथ बैठ सकते हो फोटो वगैरह खींच सकते हो और उसके बाद आपको बाहर आना पड़ता है। तो टाइगर किंगडम से तो हम निकल गए ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं पटोंग बीच पे। आज नहीं करेंगे शायद कल करेंगे या फिर पता नहीं जो भी है बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप आ रहे हो तो जेट्स बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं इवन ट्रैक भी है यहाँ पे काफ़ी अच्छे बहुत जल तक है बहुत ज़्यादा है। After watching this beautiful sunset at Patong Beach, हम चले गए थे बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पे, जो पटोंग बीच पे ही है एग्जैक्टली बीच के सामने ही है वॉकिंग स्ट्रीट जहाँ पे क्लब्स पब्स और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है वहाँ पे। आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हम उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट पे गए थे, नाम था गोविंदा वेज इंडियन रेस्टोरेंट एंड फूड वाज डिसेंट बट थोड़ा एक्सपेंसिव था।